नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट उजार्स। आज के वीडियो में हम निरुका लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस तरह का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, पूरा वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा कि एक रिटेल कैसे ट्रैप किया जाता है एंड किस टाइप का न्यूज के साथ प्राइस को डंप किया जाता है। डिटेल्स में आज के वीडियो में हम कवर करते हैं स्टॉक को। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट उजार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कंपनी काम क्या करता है। एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ होम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे 327 करोड़ का, जो कि एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है। अभी रिजर्व कैश कितना है कंपनी के पास, 185 करोड़ का। एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि रिजर्व कैश इसके पास पॉजिटिव है। प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 63%, जो कि पॉजिटिव साइन है। अबव 50% होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 327 का एंड इसका बुक वैल्यू है 195। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 1.67 का। डिविडेंड लिए 0.91% हायर डिविडेंड था, लेकिन अभी लास्ट कुछ क्वार्टर में लगातार ये कंपनी नेगेटिव नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर आरओसी देखेंगे नेगेटिव आरओई है, नेगेटिव स्टॉक का भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज लास्ट कुछ क्वार्टर में अभी कुछ अर्निंग्स नहीं हो रहा है। डेप्ट इक्विटी 0.02 है, आप मान सकते हैं जीरो डेट कंपनी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखेंगे नेगेटिव 67%, लिस्ट होने के बाद एक कंपनी अभी नेगेटिव 67% का रिटर्न दिया है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी एक बार हम इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं, किस टाइप का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी डिलीवर कर रहा है। देखिए, जून 2021 में इसका सेल्स था 119 करोड़ का एंड अभी सेल्स कितना है 21 करोड़ का। क्लियर कट देखिए, यहाँ पे जो सेल्स का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जून 2021 में था 36 करोड़ का एंड अभी लास्ट कुछ क्वार्टर में लगातार तो नेगेटिव नेट प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अभी जो जून क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड -0.74। मीनिंग है कि सेल्स डाउन ट्रेंड में है, नेट प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में, दोनों डाउन ट्रेंड में, तो हमको क्यों अप ट्रेंड में जाना है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा खेल हुआ है एंड रिटेल के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, सितंबर 22, दिसंबर 22 एंड मार्च 23, इस तीनों क्वार्टर के बीच में मीडिया चैनल में इस स्टॉक को लेकर बहुत हाइप था। इस स्टॉक को ले लीजिएगा, ए हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा एंड उसी ही टाइम देखिए यहाँ पे रिटेल सारा माल यहाँ पे पंप कर दिए, डंप कर दिए। एफआई के पास कुछ भी माल नहीं है, डीआई के पास कुछ भी माल नहीं है एंड यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। रिटेल के पास था अप टू मार्च 22, जून 22 देखिए यहाँ पे था 12% एंड अभी रिटेल कितना होल्ड कर रहे हैं 37%। सारा माल देखिए यहाँ प्रोमोटर से यहाँ तक आ गया है। अगर देखेंगे कोई बिग इन्वेस्टर यहाँ पे है या नहीं है, देखिए कोई भी बिग इन्वेस्टर पब्लिक कैटेगरी में इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है। इसका मीनिंग है कि जो सारा माल है ना 37% का, ये सारा माल है रिटेल पब्लिक के पास, जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, क्योंकि एबव 1% होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेम आ जाएगा एंड हमारे जैसा रिटेल पब्लिक है, हम कभी भी 1% से ऊपर शेयर होल्ड कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लो कैपिटल। और आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे होंगे 37% का यहाँ पे रिटेल होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक रेड फ्लैग है एंड आप यहाँ पे देखिए क्या गेम हुआ है। मार्च 22 जून 22 में हमें प्रोमोटर होल्ड कर रहा था 70% एंड सितंबर 22 में 70%, लेकिन यहाँ पे देखिए जो माल था ना एफआई के पास, सारा माल आ गया है यहाँ पे रिटेल के पास 27%। फिर से अगर दिसंबर 22 को जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर माल सेल कर रहा है, बाय कौन कर रहा है, रिटेल पब्लिक, 27 से 37 हो गया है रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन एंड इसी जोन में यहाँ पे बहुत सारे मीडिया चैनल में चल रहा था कि स्टॉक डबल ट्रिपल क्या हो जाएगा। इसीलिए देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, वो हमेशा आप टेक्निकल को फॉलो कीजिएगा एक बार कॉन्फर्मेशन का। देखिए, स्टॉक अगर टेक महिंद्रा होगा, एचडीएफसी बैंक होगा, रिलायंस होगा, वो अलग बात है, लेकिन इस टाइप का स्टॉक में आपको कभी भी ना डाउन ट्रेंड में
विदाउट बुलिश चार्ट पैटर्न, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री करना नहीं है। देखिए आपके लिए सबक है, देखिए स्टॉक ना जब भी मार्केट रिवर्स होगा नहीं तो बियर मार्केट में एंट्री करेगा, जितना भी जो स्मॉल कैप मिड कैप दिखा दे रहा है वो 90-95% करेक्ट कर लेंगे। इसलिए आपको प्रॉपर क्वांटिटी मैनेजमेंट भी करना है एंड जब रिवर्सल हो रहा होगा विदाउट एनी पॉजिटिव साइन ऑफ चार्ट पैटर्न आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पे नीरू का से देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे प्रोमोटर एंड एफआई डम कर रहे थे एंड यहाँ पे रिटेल यहाँ पे बाय कर रहे थे। देखिए हम हमेशा से एनालिसिस किए हैं कि एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए तीन तरीका है। पहला हो गया टेक्निकल, यहाँ पे हम किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, कचरा सा भी कचरा स्टॉक। सेकेंड हो गया फंडामेंटल तरीका, जो कि फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को बाय ऑन डिप करते हैं। थर्ड तरीका हो गया टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, यहाँ पे हम ऐसा स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल थोड़ा वीक हो सकता है, जैसे कि हायर डेप्ट लोअर ओपीएम, लेकिन कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। देखिए जो नीरुका लिमिटेड है ना अभी के लिए प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, इसीलिए अभी हम इसको लेंगे फर्स्ट कैटेगरी में। अगर टेक्निकल में कुछ चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा होगा उसके बाद जाकर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल्स डाउन ट्रेंड, प्रॉफिट डाउन ट्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डाउन ट्रेंड, तो कुछ भी साइन नहीं है जो कि अभी के लिए विदाउट टेक्निकल साइन यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है नूरेका लिमिटेड का, टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, प्राइस देखेंगे डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है, डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है। हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं, प्राइस जब भी अप मूव करेगा अप ट्रेंड चैनल, डाउन मूव करेगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा तो फ्लैट चैनल के अंदर। क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है, अभी भी देखिए डाउन ट्रेंड से प्राइस बाहर निकल नहीं पाया है। जब तक प्राइस इस डाउन ट्रेंड चैनल से बाहर नहीं चला जाता, जो कि क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे, हमको एंट्री करना ही नहीं। पहला साइन मिलेगा रिवर्सल का जब प्राइस ये डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है एंड मल्टीपल टाइम लोअर बाउंड्री को टेस्ट किया है। जब तक प्राइस यहाँ पे ये जो चैनल से ब्रेकआउट नहीं आता है एंड यहाँ पे कुछ भी बुलिश फॉर्मेशन नहीं बनाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है एक हायर हाई फॉर्मेशन का। जब हायर हाई फॉर्मेशन बन जाएगा उसके बाद एंट्री करना है, नहीं तो जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में चैनल में चल रहा होगा ना हमेशा से कोशिश कीजिएगा चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास एंट्री करने का। अपर बाउंड्री के आसपास एंट्री करके कुछ फायदा नहीं विदाउट एनी हायर हाई फॉर्मेशन। जब प्राइस इस डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा, नहीं तो कुछ बुलिश पैटर्न बनाएगा, वो फ्लैग हो सकता है, इन्वर्सेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, कॉपर एंड हैंडल हो सकता है, कुछ भी पैटर्न बन सकता है बुलिश पैटर्न, उसके बाद एंट्री कीजिएगा। अज्यूम्पशन में बिल्कुल एंट्री नहीं करना है इस डाउन ट्रेंड में। अभी क्वेश्चन आ रहा है अगर आपके पास है तो क्या करना है। देखिए जिस लेवल के ऊपर अभी प्राइस है अगर आपके पास है होल्ड कीजिएगा, बाउंस मिलेगा 40-50% कभी भी प्राइस में बाउंस आ जाएगा, उसे बाउंस में रिड्यूस कर सकते हैं। अभी के लिए फ्रेश एंट्री करने के लिए कुछ साइन नहीं है, 328 का प्राइस चल रहा है, इस लेवल पर हम बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री नहीं करना है, हमको बस वेट करना है आइदर जो डाउन ट्रेंड चैनल का लोअर बाउंड्री, नहीं तो जो डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद हायर हाई फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।